हेलो फ्रेंड्स, मैं तपेश माथुर, फाउंडर डायरेक्टर आर्ट एंड आर्ट अकेडमी। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि NID एग्जाम कैसे होगा या कैसे पेपर करना है, UCET के बारे में बताया कि कैसे करना है। इस बार मैं लेकर आया हूँ NFT एग्जाम, हाउ टू क्रैक NFT एग्जाम, जो कि 5th February 2023 को होने वाला है, रिसेंटली अभी। तो मैं वीडियो अभी क्यों डाल रहा हूँ, जल्दी पहले मैंने क्यों डाली, बिकॉज एक्चुअली हमें भी कंटेंट कलेक्ट करना होता है, बाकी सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो पहले ये बात आती है कि NFT को समझ लेते हैं कि NFT का एग्जाम कैसे हो, क्या हो। एक्चुअली NID और UCET की बात करें तो उनका पेपर का पैटर्न जो होता है थोड़ा डिफरेंट होता है, और NFT का अलग है बिकॉज वो फैशन। NFT का पेपर एक ही दिन होगा और उसमें दो पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है GAT, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, ये 2 घंटे का होता है। दूसरा पेपर होता है आपका CAT, क्रिएटिव एप्टीट्यूड टेस्ट। पहला पेपर जो होता है उसमें आपको 2 घंटे का टाइम मिल जाए, उसके बाद आपको 1 घंटे का ब्रेक मिलता है, वो आपको सेंटर के बाहर भेज देता है। उसके बाद ये होता है कि आपको अंदर जाने के लिए दोबारा रोल नंबर की लिस्ट लगती है, या रोल नंबर आपके चेंज हो सकते हैं, आप दोबारा रोल नंबर देखते हैं और अंदर चले जाते हैं। जाने के बाद आप लोगों को क्रिएटिव पेपर मिलेगा, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 6 क्वेश्चन आते हैं, 6 में से आपको 3 क्वेश्चन करने होते हैं, या हो सकता है ज़्यादा भी आ सकते हैं क्योंकि ऑप्शन मिलते हैं एक्चुअली इसके अंदर। तो आपको 3 घंटे का पेपर मिलता है, पूरा क्रिएटिव का पेपर आता है। तो ये दोनों पेपर होते हैं, लेकिन कई सारे मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं बच्चों से, सिचुएशन क्या है एग्जैक्टली इन दोनों ही पेपर में। आप एग्जाम देने के बाद आपका एक रिजल्ट आएगा, शॉर्टलिस्ट आप हो जाएंगे। शॉर्टलिस्ट होने के बाद आपका एक और एग्जाम होगा जिसको होता है सिचुएशन टेस्ट। तो 3 एग्जाम हो गए, GAT हो गया, CAT हो गया, सिचुएशन टेस्ट हो गया। इन तीनों के मार्क्स के अकॉर्डिंग आपकी ऑल इंडिया रैंक आती है। ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पे आपकी आपकी काउंसिलिंग होती है, और काउंसिलिंग के बेसिस पे आपको कॉलेज मिलता है। सो ये आपका क्राइटेरिया होता है। अब हाउ टू क्रैक, मैंने आपसे बोला है, तो हाउ टू क्रैक मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो प्रीवियस पेपर में आ चुके हैं और उसी के बेसिस पे हम लोग एनालाइज करते हैं कि क्या रिसेंटली आ सकता है। आपने देखा होगा NID का एक्यूरेसी बहुत परफेक्टली बैठी मेरी, UCET की बहुत परफेक्ट बैठी है। अगर आप चाहें तो डेट दे सकते हैं और पेपर देख सकते हैं, दोनों में आपको पता लग जाएगा बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी मैंने बताई आपको। जैसा कि UCET में हम लोग गेम डिज़ाइनिंग का वर्कशॉप किया, तो वो गेम डिज़ाइनिंग का क्वेश्चन भी था। तो अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं NIFT की। NIFT में सबसे पहले मैं आता हूँ GAT, GAT 2 आवर्स, 2 घंटे का पेपर होगा अप्रॉक्सीमेटली, और 100 क्वेश्चन आएंगे, एक एक क्वेश्चन एक एक मार्क्स का होगा, और 0.25 मार्क्स की आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, 0.25। तो ध्यान रखना कि पेपर आपको ध्यान से करना है, यहाँ पे आपके हर एक क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग। तो अब इसमें GAT के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सबसे पहले हम बात करने जाते हैं मैथ्स। अगर मैथ्स की बात करें तो मैथ्स बहुत बड़ा सिलेबस है, और मैं आपको हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, लेकिन आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो अभी मैं आपको अपना नंबर दूंगा, उस नंबर पर आप मुझे कॉल करिए या व्हाट्सएप करिए, मैं आपको और इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। सो मैथ्स की बात करते हैं तो मैथ्स में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि लगातार हर साल आ रहा है। नंबर सीरीज, एवरेज, परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ये मैथ्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो हर साल ऑलमोस्ट आ रहे हैं, तो आपको ये इसकी प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए। अब सवाल ये होता है कि कई सारे बच्चे बोलते हैं कि सर इसका लेवल क्या रखें, तो इसका लेवल रहता है 9th और 10th स्टैंडर्ड, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकते। और अगर इससे और डिटेलिंग आपको जाननी है तो आपके प्रीवियस पेपर देख के आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि क्या प्रोफाइल है, वो कहाँ तक है, किधर जा रहा है एक्चुअली, तो आपको पता लग जाएगा। रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग में टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट है ब्लड रिलेशंस, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन, वेन डायग्राम, एनालॉजी, नंबर सीरीज एंड सीरीज, ये टॉपिक आपके रीजनिंग के हैं, टॉप मोस्ट है, हर साल आ रहे हैं, ये भी आपको कर लेनी चाहिए। अब बात आती है करंट अफेयर्स, बहुत सारे करंट अफेयर्स जो GK के टॉपिक है जहाँ बच्चे कन्फ्यूज हो रहे हैं, तो क्या करें। देखिए करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट और GK के टॉपिक हैं स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, नोबेल प्राइज, आपके PM से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, कुछ योजनाएं और गवर्नमेंट के कुछ इश्यूज जो अगर रिसेंटली कहीं चल रहे हो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है अगर आप कुछ एप्लीकेशन वगैरह डाउनलोड कर लें या आप कुछ पेजेस अगर फॉलो करते हैं उनको, तो उससे आपको बहुत अच्छी न्यूज मिलती रहेगी। लेकिन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, हमें क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, इसके लिए भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो एग्जैक्टली मैं आपको क्राइटेरिया बताऊँगा किस अकॉर्डिंग आपको लर्न करना है या क्या पढ़ना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है इंग्लिश, आप इंग्लिश को देख के सोचते हैं लोग इंग्लिश में क्या है एग्जैक्टली, लेकिन यहाँ इंग्लिश का वेटेज बहुत ज़्यादा है, 25 क्वेश्चन आ रहे हैं एक्चुअली, सॉरी 50 क्वेश्चन आ रहे हैं। सो कम्युनिकेशन एबिलिटी, अनसीन पैसेजेस वगैरह बहुत सारे हैं, ओमिशन एरर के बारे में पूछा जाएगा,
एंटोनिम्स एनोनिम्स के बारे में पूछा जाएगा, ग्रामेटिकल एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। इसका मतलब आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल बहुत बढ़िया होना चाहिए। सो लेकिन अब ये सवाल भी उठता है कि सर कितना पढ़ें कितना नहीं पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन देखेंगे कि कुछ क्वेश्चन इस प्रकार आते हैं कि सेंटेंस फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, उसमें आपको लगाने हेल्पिंग वर्ब आपको पुट करने की क्या आएगा। तो हेल्पिंग वर्ब का आपको ज्ञान बहुत अच्छा होना चाहिए। एंटोनिम्स एनोनिम्स बहुत लंबी कहानी है एक्चुअली, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। लास्ट ईयर 6 क्वेश्चन दिए थे एंटोनिम्स एनोनिम्स के, और ओमिशन एरर के भी क्वेश्चन थे थोड़े से, तो थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। एंटोनिम्स एनोनिम्स उसकी भी पर्टिकुलर क्राइटेरिया सेट किया है इन्होंने कि किस कैटेगरी में जाना है, उसके लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बार बार आपको कॉन्टैक्ट इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज काफ़ी सारा कंटेंट आपको वीडियो के थ्रू नहीं बताया जा सकता, उसके लिए आपको मुझे पर्सनली कॉल ही करना पड़ेगा। अब जीके की बारी आती है कि जीके में एग्जैक्टली कितना पढ़ें। जीके में मैंने बहुत गौर किया तो मैंने लंबी चौड़ी चेन है वो है ब्रांड्स की। ब्रांड्स के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा गया है, लेकिन ब्रांड्स बहुत ज़्यादा ब्रांड्स नहीं जो डे टू डे लाइफ में यूज़ हो रहे हैं, टेलीविजन पर चल रहे हैं, जिनके बारे में सुना जा रहा है, न्यूज़पेपर्स में आ रहा है, मैगजीन्स में आ रहे हैं, या निफ्ट उससे स्पेशली डील करता है, या निफ्ट में कहीं वर्कशॉप्स हो रही है या कुछ कराया जा रहा है, तो वो काफ़ी हाईलाइटेड टॉपिक हैं ब्रांड्स रिलेटेड। हेडक्वार्टर्स के बारे में पढ़ना है, मोन्यूमेंट्स के बारे में पढ़ना है आपको, अबाउट इंडिया, इंडिया के बारे में पढ़ना है, रिवर्स के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, तो वहाँ से कुछ उठाया जा सकता है। वर्ल्ड लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट, टॉलेस्ट, इनके बारे में पढ़ सकते हो आप। डे एंड डेट्स के बारे में पढ़ सकते हो, ऑथर्स के बारे में पढ़ सकते हो, ब्रांड एम्बेसडर्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, रिसेंटली करंट और लास्ट ईयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए। तो ये टॉपिक मैंने आपको बता दिया, लेकिन ये बहुत लंबी छोटी लिस्ट है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है गेट का, और ये डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल है कि एग्जैक्टली पढ़ना क्या है, तो उसके लिए मैं आपकी हेल्प करने के लिए मैं। अब ये मैंने गैट की बात कर ली, लेकिन थोड़ी बहुत चीज़ें और भी हैं जो गैट के अंदर मैटर करती हैं कि पेपर आपका 2 आवर्स का है, टाइम बहुत कम रहेगा। एक और चीज़ मैं आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि अनसीन पैसेजेस नंबर ऑफ टाइम्स आते हैं, मतलब उसमें एक साथ ऐसे नहीं कि अनसीन पैसेज एक ही आ रहा है, हो सकता है 4-5 अनसीन पैसेज आते हैं, बड़े बड़े पैराग्राफ आते हैं कि लैंग्वेज का लेवल बहुत हाई होता है, थोड़ा ट्रिकी होता है, समझना पड़ता है। उसको सॉल्व करने का पैटर्न ये रखें कि पहले क्वेश्चन पढ़ लें, देन उसके बाद रीड करें आप लोग। अगर मान लीजिए आपको एक बार मैंने आपने 8 पैराग्राफ्स दे दिए थे और वो सभी सॉल्व करने थे, तो आपको पता लग गया कि 8 पैराग्राफ्स हैं, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो हम ऐसा कुछ करते हैं, 3-4 पैराग्राफ पहले सॉल्व कर लें, देन जीके कर लें, रीजनिंग कर लें, मैथ्स कर लें, उसके बाद वापस आके फिर हम लोग अनसीन पैसेज कर सकते हैं। लेकिन टाइम का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, 2 घंटे के अंदर आपको बहुत लेंथी पेपर करना है, छूटने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे, तो स्पेशली आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का। उसके बाद 1 घंटे का ब्रेक मिलेगा, आप बाहर आए तो रिलैक्स हो जाए बिकॉज बहुत ज़्यादा माइंड चल चुका होगा। अब आपके पास पेपर है क्रिएटिव का, तो ध्यान रखना कि अभी दिमाग कुछ और था, अब कुछ और होने वाला है। क्रिएटिव मतलब 3 घंटे का पेपर होगा और 3 घंटे में आपको टोटल क्रिएटिव करना है। यहाँ बहुत टाइम मिल रहा है, NID में बहुत कम टाइम मिला था, UCL में 30 मिनट मिले थे, तो यहाँ मेरे पास 3 घंटे हैं, आराम से हम कर सकते हैं। लेकिन इशू इस बात का है, क्रिएटिव UCL और NID ज़्यादा ट्रिकी नहीं आता है, लेकिन थोड़ा सा समझने वाली बात है। तो उसमें क्या आएगा, कैसे आएगा, अब उसकी बात करने जा रहा हूँ। नाउ अब बात करने जा रहे हैं हम लोग CAT क्रिएटिव एप्टीट्यूड टेस्ट। जैसा कि देखिए हम डिजाइनिंग एंट्रेंस दे रहे हैं, तो ऑफकोर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हमारा क्रिएटिव बहुत अच्छा होना चाहिए। सो क्रिएटिव में क्या करें, देखिए पहले पर्सपेक्टिव गेम चल रहा था हमारा NID UCL के अंदर। यहाँ कहानी थोड़ी डिफरेंट है, यहाँ सबसे पहले हम समझते हैं कि NFT के पास सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट देखें तो फैशन डिजाइन, टेक्सटाइल डिजाइन, एसेसरी, नेटवेयर, लेदर और फैशन कम्युनिकेशन है। तो इसके आसपास ही हमारा क्रिएटिव घूम रहा है एक्चुअली। तो इसने क्या करा, टेक्सटाइल मीन्स होता है प्रिंट, प्रिंट या एम्ब्रॉयडरी या ऐसा कुछ होता है। तो इन्होंने क्या करा कि ये आपको कई बार क्वेश्चंस देंगे, इसमें आपको लास्ट ईयर एक क्वेश्चन दिया था, गिफ्ट रैपिंग पेपर बनाना था आपको ब्रांड्स के लिए। सो मेरे को लगता है कि और भी कुछ दे सकते हैं, जैसे बेडशीट दे सकते हैं, बेडशीट अलग अलग कैटेगरी वाइज, जैसे कपल की दे सकते हैं, ओल्ड पीपल की दे सकते हैं, टीनेजर की दे सकते हैं। सो ये आपको दिया जा सकता है, या अगर आपको वॉलपेपर डिजाइन करने को लेकर बोलेंगे या तो किचन के लिए बनाइए, ये कैफे के लिए बनाइए, तो आपको इन सब की रिसर्च करनी पड़ेगी एक्चुअली, एनालाइज करना पड़ेगा कि ये क्या है कैसे है। ठीक है, इन्होंने लास्ट ईयर ट्रॉफी दी थी, मोमेंटो से रिलेटेड दिया था, मेडल्स भी दे सकते हैं। गिफ्ट रैपिंग पेपर के अलावा अगर आप देखेंगे तो बेडशीट की डिज़ाइन, कर्टन की डिज़ाइन, या कोई मोटिव डिज़ाइन करने को बोल सकते हैं कि फलाना फलाने कैटेगरी पे आप लोग मोटिव डिज़ाइन करें। ह्यूमन स्केचेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकम्प्लीट सीन जो होते हैं वो आपको देते हैं, कुछ प्रिंट होकर आता है और आपको उसे पूरा कंप्लीट करना होता है बैकग्राउंड के साथ, तो आपको इनकम्प्लीट सीन आने को आ सकता है। तो इनकम्प्लीट सीन के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको पिंटरेस्ट पे जाके कुछ
स्केचेस या ऐसे देखने चाहिए जो स्पेशली मानो कोई बाइक खड़ी है तो बाइक का बैकग्राउंड पीछे सीन क्या हो सकता है, उसे कैसे कनेक्ट करेंगे हम लोग, साइकिल और साइकिल कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, और अगर वहाँ का सीन नहीं भी है तो आपको रिक्रिएशनल सीन्स के कुछ सैम्पल्स देखने ताकि आपको आइडिया लग जाए कि उसे कैसे कनेक्ट करेंगे हम लोग। बहुत सारे आपको सीन्स देखने की रिक्वायरमेंट है बिकॉज कुछ भी दे सकता है वो, ठीक है। ह्यूमन स्केचेस बहुत ज़रूरी है, इंसान के ह्यूमन स्केचेस में आप एक काम कीजिए, कोई भी एक मेल और एक फीमेल और एक बच्चे की स्केचेस निकालिए, उसको कंटिन्यूसली एनआईटी के एग्जाम तक कंटिन्यू प्रैक्टिस कीजिए। तो कंटिन्यू प्रैक्टिस से क्या होगा, वो आपके माइंड में सेट हो जाएगा। अगर मान लीजिए बनाने को आता है तो उसी को बना के थोड़ा बहुत चेंज करके उसकी जो गेस्चर्स है उसको बदल के आप उसको कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। फिर एनआईटी क्या करता है, पोस्टर्स बहुत ज़्यादा देता है, पोस्टर, पोस्टल स्टैम्प, ये ऐसे पहले आ चुके हैं इसके अंदर, तो ये चीज़ें इन पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। विजिटिंग कार्ड आ चुका है, एनआईटी का फ्लैग बनाने को आ चुका है, तो ये इन चीज़ों पे ध्यान देना कि इन चीज़ों की चीज़ें दे सकते हैं। पोस्टर्स के बारे में स्पेशली ये कि एजुकेशनल पोस्टर देते हैं, पॉलिटिकल पोस्टर देते हैं, डिजिटल पोस्टर दे देंगे, आपको फैशन होंगे, कॉरपोरेशन का होगा, सोशल होंगे, कई सारे विजुअल कम्युनिकेशन पोस्टर के बारे में बताया जाता है, अपना पल्स पोलियो होता है, ये एक ऐसे पोस्टर्स होते हैं जिनके बारे में मार्केटिंग नहीं होती है इनमें, और ये अलग तरीके से पोस्टर्स होते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा आपको ध्यान होना चाहिए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोस्टर देख लेना, और आपको वेक्टर फॉर्म में अगर लर्न करने तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उसे बनाना बहुत आसान होगा। स्पेशली अगर कोई 3-4 पोस्टर्स आप लर्न कर लें, उनका वेक्टर फॉर्म लर्न कर लें, तो वहाँ पोस्टर बना के उसको थोड़ा बहुत चेंज करके उसे उस कैटेगरी में डाला जा सकता है जो वहाँ पे गिवन होगा। तो पोस्टर्स इंपॉर्टेंट है। फिर एक बार एक क्वेश्चन दिया था, डिजिटल आपके जो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं और ऑनलाइन क्लासेस में जो वेबिनार्स, जो आपके लैपटॉप में जो स्क्रीन डिस्प्ले होती है ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू, तो आपको जो डिस्प्ले हो रहा है ओवरऑल सब कुछ, उसके की और स्विचेस वगैरह, कितनी स्क्रीन्स आ रही हैं, म्यूट करने का स्विच है, सब कुछ, वो पूरा डिज़ाइन करने को आया है। इसका मतलब है कि आपके आसपास की चीज़ें पूछता है वो कि इसको डिज़ाइन करना है, कैसे दिखती है, आपकी ऑब्जर्वेशन पे जा रहा है। एक्चुअली मैस्कॉट आ चुका है, इससे पहले लोगो बनाने को आ चुका है, आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि मैस्कॉट वगैरह कैसे होते हैं, किस तरीके से दिखते हैं, दो तीन मैस्कॉट्स की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। नेचुरल कैलेमिटीज़ के बारे में आ चुका है, एक बार एक कैलेमिटीज से रिलेटेड क्वेश्चन दिया था, फिर उसको बोला उसका इलस्ट्रेशन व्यू बनाना है, इलस्ट्रेट करना है उसे, तो इम्पॉर्टेंट पार्ट ये कि आपको इलस्ट्रेशन पता होना चाहिए, इलस्ट्रेट क्या होता है। फिर ट्रैवल ट्रिप जर्नी, इनको स्टेप बाय स्टेप में दिखाना होता है, ये फ्रेम्स में मानता है ज़्यादातर। मान लीजिए कॉमिक स्टाइल आपसे पूछा जाता है, आपको बोला कि फलाना फलाना कोई चीज़ है, उसको आपको 3 स्टेप्स में बताना है, 4 स्टेप्स में बताना है, या कोई जर्नी के बारे में आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं, तो डायलॉग के साथ में, विदाउट डायलॉग्स और सम आउटलाइन फॉर्म में, ऐसा कुछ आपसे कह सकता है, लंबा पोर्शन है एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा। आपको पॉलिटिकल किसी नेता के बारे में, किसी सेलिब्रिटी की कैरिकेचर्स मांग सकता है, उसका पोर्ट्रेट बनाने को मांग सकता है, स्केचिंग बहुत हाई फाई लेवल मांग रही है। सो इम्पॉर्टेंट ये है कि बहुत सारा कंटेंट है, आपको थोड़ा सा स्केचिंग पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि 3 घंटे का पेपर है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये ना, लाइफ साइकिल के बारे में पूछता है, कई बार कलर्स के बारे में बहुत कुछ पूछेगा, बिकॉज कलर्स के बारे में बहुत सारे सवाल पूछेगा, आपको कलर्स की नॉलेज कितनी है, तो ये पूछ सकता है आपसे कि आपने किसी की लाइफ साइकिल देखी हो, जैसे लास्ट ईयर उसने एप्पल का क्वेश्चन दिया था कि एप्पल के लाइफ साइकिल को बताना है, तो एप्पल है, उसके बाद एप्पल के वो ख़राब होता चला जा रहा है, उसकी लाइफ दिखानी है कलर्स के फॉर्म में, तो आपको ध्यान रखना है कि ये कलर्स की नॉलेज जानना चाहता है कि आपको कलर्स की कितनी नॉलेज। ये पहले ग्रिड, कलर्स ग्रिड के फॉर्म में कोई क्वेश्चन देता था कि कलर्स ग्रिड आती थी और ग्रिड में कुछ वर्ड्स दे दिए नीचे की तरफ, जैसे मान लो उन्होंने बोला कि हार्मनी है, एंथुजियाज्म है, हैप्पी है, अलोन है, ऐसे इसमें से कोई भी एक वर्ड आपको चूज करना है, देन यू कैन एक्सप्लेन थ्रू द कलर्स इन द ग्रिड, और सिर्फ आप उसमें प्लेन कलर कर सकते हैं, तो आपको कुछ पैटर्न वगैरह ड्रॉ कर सकते हैं कलर्स के थ्रू, तो आपको एक्सप्लेन करना है उस वर्ड को थ्रू द कलर्स विद द ग्रिड। सो इसका थोड़ा ध्यान रखना, ग्रिड चेंज कर सकता है, अगर ग्रिड नहीं देंगे तो कुछ और बोलेगा, लेकिन कलर्स बहुत बारीक तक आपको पता होनी चाहिए। अभी रिसेंटली कलर्स के बारे में UCW क्वेश्चन आया, कलर्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज एज डिजाइनर्स कलर्स का ही खेल है सब कुछ, तो कलर्स की थ्योरी पढ़ लो, कलर साइकोलॉजी पढ़ लो, तो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। उसके अलावा आपको पर्सनल गाइडलाइन चाहिए तो मेरा नंबर आपको दिया गया है 9251100, इस पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कोई भी रिक्वायरमेंट है, कुछ भी पूछना है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं बिफोर 9 PM, तो मैं आपको रिप्लाई करूँगा, उसके बाद आपको कोई भी चीज़ पूछनी है ईजिली आपको गाइड करूँगा कैसे। हमारी एप्लीकेशन भी है एंड्रॉयड और iOS में, आर्ट एंड आर्ट अकेडमी, आपको बहुत सारा कंटेंट मिलेगा, वीडियोज़ मिलेंगे उसमें, स्टडी मटेरियल मिलेगा, रेफरेंसेज मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी।
दूसरी चीज ये, आप मेरे पिंटरेस्ट पे जा सकते हैं आर्ट एंड आर्ट एकेडमी पे, जहां पे आपको इंडिविजुअल फोल्डर्स मिल जाएंगे जो आपको एज अ रेफरेंस मिल जाएंगे, तो आपको बहुत इजीली सपोर्ट मिलेगा। जो मैंने अभी कहा है सब कुछ आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। सो गाइज ऑल द बेस्ट, आप पेपर अच्छा कीजिएगा, बिकॉज लंबा पेपर है, 5 आवर्स, 2 घंटे, फिर ब्रेक, फिर 3 घंटे आपको पेपर मिलता है। मिलते हैं, ऑल द बेस्ट।